प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को और प्रेस करें बेल आइकन न्यू वीडियो पाने के लिए। हेलो व्यूअर, वेलकम आपके आपको मेरे चैनल में एनिमेटिक्स ट्यूटर्स, जहां आपको एडोबी फ्लैश सिखा जा रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल का जो आइकन उसके बाद आता है उसे ज़रूर प्रेस करें और लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो आज हम लोग सीखेंगे एडोबी फ्लैश में किस तरह से हम लोग CCW का यूज कर सकते हैं क्लासिक ट्वीन में। इससे पहले के चैप्टर में मैंने क्वाइंस में बताया था कि मोशन ट्वीन में किस तरह से CCW और CW का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं क्लासिक ट्वीन में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। एक्चुअली CW और CCW हम लोग को मान लीजिए कि कोई पहिया है गाड़ी का, या फिर साइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, तो इस तरह के कोई भी चीज़ को अगर रोटेशन करना हो, रोटेशन का काम करना हो, तो आप इजीली उसमें कर सकते हैं। तो हम लोग एक फ़ैन के द्वारा हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक टेबल फ़ैन मैं बना लेता हूँ रफली ऐसे ही, तो ठीक है। और जब भी सर्कल लें फ्लैश में तो आप अल्टर शिफ्ट बटन दबा के ही, इससे क्या होगा एक्यूरेट ये बनता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो रफली में अब इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, छोटा करके अल्टर शिफ्ट से ही करें, एक्यूरेट साइज चाहिए। तो चलो ठीक है, अब हम लोग इसके विंग्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने से पहले एक काम करते हैं हम लोग कि इसके ऊपर जो गोलाकार रहता है जो सपोर्ट करता है उसे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए डबल क्लिक करके, और यहाँ दे दीजिए विंग्स, ठीक है। और एक और लेयर लेते हैं, न्यू लेयर, इसे हम लोग रखते हैं चूँकि ये ऊपर रहेगा ना, ये वाला गोलाकार वाला बॉल जैसा होता है, तो हम चलिए इसका नाम दे देते हैं बॉल, सेंटर बॉल, ठीक है। तो सेंटर बॉल, तो ठीक है, सेंटर बॉल अल्टर शिफ्ट के साथ सेंटर बॉल बना लीजिए ये, ठीक है। और इसमें हम लोग ठीक है इसे डालते हैं हम लोग, और इससे हम लोग यहाँ सेट कर देते हैं, क्लियर है। अभी क्या करते हैं इसको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट करने के लिए आप यहाँ चले जाइए, और एक तो आप डुप्लीकेट कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल से पेस्ट इन प्लेस होता है, जो एकदम एक्यूरेट इसी के ऊपर पेस्ट होगा, और उसके बाद रोटेट करके हम लोग एक सही जगह पर ला सकते हैं। तो कॉपी कर लीजिए, उसके बाद पेस्ट इन प्लेस, तो इसी के ऊपर प्लेस हो गया। आप ट्रांसफॉर्म लेकर या फिर आप क्यू बटन दबाकर कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसे रोटेट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। बाद में हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से पेस्ट इन प्लेस, और इसको हम लोग अब इसको एक्यूरेट करने के लिए एक और आप ले लीजिए लेयर, ठीक है। इसको टॉप में रखते हैं, इसका नाम देते हैं नेट, अल्टर शिफ्ट के साथ ले लीजिए, ये जो ऊपर से होता है जाली जैसा, तो चलिए स्ट्रोक कलर देते हैं फिलहाल, और यहाँ से मैं इसे ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ इस ब्लैक को,
पकड़कर सेट कर देता हूँ। हो सके तो आप ट्रांसफॉर्म में क्लिक कीजिए, जिससे आपको सेंटर पॉइंट इसका पता चल सके किस जगह पर मेरा सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको, इस सर्कल को, इस नेट को मैं छोटा करता हूँ अल्टर शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो इतना लगभग ठीक ही है। और ये तो ये हम लोगों का सेंटर पॉइंट, तो हम देख सकते हैं विंग्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसे हम लोग डबल क्लिक करके इस विंग्स को थोड़ा अंदर जाना होगा। यहाँ से डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं कि कितना कितना का डिस्टेंस जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, स्मूथ घुमाने के लिए थोड़ा जूम किया जाता है इसमें। ठीक है, सेंटर में रख ले है ना ये। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का लगभग डिस्टेंस, लगभग भाई ठीक ही है। थोड़ा सा और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ अल्टर शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब क्या करते हैं कि नेट की संख्या में बढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको, इसका जो है 1.5 को लेता हूँ थिकनेस। ठीक है, और इसको डुप्लीकेट में कर लेता हूँ। तो डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ से जाएंगे और सेम प्लेस पे करना है तो कॉपी, और यहाँ से पेस्ट इन शिफ्टनेस, कंट्रोल शिफ्ट वी आप कर सकते हैं, और अल्ट के शिफ्ट के साथ अंदर की ओर ये करें, ड्रैग करें इस तरह से। फिर जाइए कॉपी और यहाँ से पेस्ट इन प्लेस। तो मैं अब शॉर्टकट किस से करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ और लाइन को मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पूरे फैन को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। चलो ठीक है, फैन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, मैं दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, फिर मैं इसका भी कलर कर देता हूँ ब्लू, और इस विंग्स का भी मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। चलो ठीक है, अभी क्या करेंगे, स्टैंड बनाते हैं। ठीक है, तो आप स्टैंड बना लीजिए। चलो ठीक है, स्टैंड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये सी लेयर बन गया, तो हम लोग स्टैंड के लिए एक अलग से लेयर बनाएंगे जो सबसे नीचे होगा, क्योंकि वो सबसे पीछे होगा, पीछे से होता है। तो स्टैंड के लिए, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्टैंड, STAND, तो स्टैंड। ठीक है, और स्टैंड बना लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये हम लोगों का स्टैंड तैयार हो गया। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं ये। ठीक है, इसको हल्का सा इधर से, और इसको भी हल्का सा इधर से। ठीक है, क्यू प्रेस कीजिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम। ठीक है, और बाकी साइज हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तो इसको बैक कर लेते हैं, यहाँ से सेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का लगभग में तैयार हो गया। तो इसको मैं कलर कर देता हूँ, इसे मैं ब्लैक मैट में ही रखता हूँ। ठीक है, और मेंटेन करने के लिए इसका ग्रेडियंट को आप पहले कलर खोल लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सा कलर है यहाँ पर, हो सके तो आप इसे सेंटर पॉइंट में भी रख सकते हैं, और यहाँ एक और प्लस कर सकते हैं कलर, क्लिक कीजिए ऑटोमेटिक, यहाँ देखिए प्लस का साइन आ रहा है, और भी आप कलर स्टॉप ऐड कर सकते हैं, इसको क्लिक कीजिए डबल क्लिक, और यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं एक ले लेता हूँ ओवल, ये डाउन के लिए, और यहाँ से एक ओवल देता हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट मुझे पसंद आ रहा है, उसे थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ,
इसे क्लिक करके आप यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म शॉर्टकट की एफ होता है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा, मैं इसे स्क्वेश कर लेता हूँ, इसे रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ रोटेट भी दिया हुआ है तो इस तरह से यूज कर लेंगे, ठीक है। और चलो ठीक है, आप हो सके तो इसको क्लिक करके यहाँ जाइए, यहाँ देखिएगा लीनियर डाला हुआ है, ठीक है। अगर ये ना मिले तो आप यहाँ से जाकर यहाँ से कलर ले सकते हैं और ये खुल जाएगा, यहाँ से लीनियर है जिसके कारण ये कलर लाइन के रूप में दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ रेडियल कर लेंगे, ठीक है। रेडियल हो गया, कलर यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इस ब्लैक को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको जस्ट खींच दीजिए तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, रेडियल भी हम लोगों का हो गया। अब इसका ट्रांसफॉर्म हो जाइए, यहाँ से दो ट्रांसफॉर्म है, एक फ्री ट्रांसफॉर्म और एक ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को मेंटेन करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, तो एक ऑप्शन और आ जाएगा यहाँ से स्केल करने का, तो आप स्केल कर सकते हैं इसको और रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसे स्केल करता हूँ, ठीक है, और स्केल ये, चलो ठीक है, लगभग। अब इसे आप डबल क्लिक करके और यहाँ जाके इसको, तो ये देखिए टॉप में आ जा रहा है जो कि छिपा दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, कट कर लीजिए। मैं मिस्टेक से उसी लेयर पर स्टैंड के लेयर पर बन गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से इसको फिलहाल बन तो गया, आप कट कर लेते हैं और एक न्यू लेयर लीजिए नीचे के स्टैंड में और यहाँ पर जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, पेस्ट इन सेंटर, ठीक है। क्यू बटन प्रेस करके आप इसको बना भी सकते हैं, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ से 3D लुक देना चाहता हूँ, तो एक काम कीजिए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए डबल क्लिक करके और कंट्रोल सी से कॉपी, या फिर आप एडिट में जाके यहाँ से कॉपी कर लीजिए और फिर एक लेयर ले लीजिए और इसको नीचे, क्योंकि मैं पीछे सेट करना चाहता हूँ, यहाँ जाके इसको ठीक प्रेस कर दीजिए, प्रेस कर इसको जाके यहाँ सेट कर लीजिए इस तरह से। अगर ये इसी लेयर में रहता तो इस तरह से नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये लगभग मैं, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैन तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का फैन लगभग तैयार तो हो ही गया, अब इसमें हम लोग कुछ काम करते हैं। ये फैन का पिछला हिस्सा, तो मैं इसे थोड़ा सा सॉरी तो अब मैं इस फैन को रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि किसे हम लोग को घुमाना, किसे पंखा का विंग्स को, ठीक है। तो विंग्स को हम 50 फ्रेम में इसको रन करना चाहते हैं, विंग्स के सीधा में चले जाइए 50 फ्रेम तक, अगर करना है तो 50 फ्रेम में। और यहाँ हम लोग करेंगे इंसर्ट की फ्रेम, ठीक है। जब एनिमेट करना हो किसी चीज़ को तो इंसर्ट की फ्रेम का यूज करते हैं, और अगर एनिमेट नहीं करना हो जिस चीज़ को तो हम इंसर्ट फ्रेम करते हैं। तो बाकी को तुमको एनिमेट करना नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर इंसर्ट फ्रेम करते जाएंगे, या इंसर्ट फ्रेम, क्योंकि बाकी सब में एनिमेशन नहीं रखना है मुझे, ठीक है। तो इंसर्ट फ्रेम, चलिए क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग विंग्स में एनिमेट करना चाहते हैं, तो विंग्स का जो ये लेयर है जिसमें हम लोगों ने इंसर्ट की फ्रेम किया हुआ है, किसी भी जगह पर आप क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके आप यहाँ से, यहाँ आपको मिलता है क्रिएट क्लासिक ट्विन, तो यहाँ पर आप जाके क्लिक कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको कोई एनिमेशन यहाँ नहीं नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको ये रोटेट करना है, रोटेशन एनिमेशन डालना है। तो बस आप कहीं भी ये करने के बाद आप क्लासिक ट्विन, अब देखिएगा यहाँ तीर के जैसा आ गया, ठीक है, और ये हल्का ब्लू भी नज़र आ रहा होगा आपको, तो ठीक है। तो हम लोग का ये काम तो हो गया, अब किसी भी जगह पर क्लिक करके आप यहाँ जा सकते हैं रोटेट लिखा हुआ में, जहाँ ऑटो है, तो यहाँ जाके आप यहाँ पे इसको कर दीजिए सी से, और सॉरी ये मिस्टेक हो गया लग रहा है कहीं, एक्चुअली हमको ट्रांसफॉर्म क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करके इसके एनिमेशन को हटाइए, रिमूव ट्विन, रिमूव ट्विन हो गया, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक गलती हो गया यहाँ पर, मिस्टेक थोड़ा सा, इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए इसका सेंटर पॉइंट सही से नहीं मिला हुआ है, ठीक है, इसके कारण से
ये प्रॉब्लम होने वाला था, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया। अब थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, इसको सेंटर पॉइंट को सही से मिला लेता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों का ठीक हो गया। या हो सके तो आप इसको मूवी क्लिप में चेंज कर ले तो और भी बेहतर होगा। तो यहाँ से जाकर आप कन्वर्ट सिंबल और यहाँ से मूवी क्लिप, ओके, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा ये फिर भी इधर हो गया है, तो हम लोग इसको सेंटर पॉइंट में सेट कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट में हम लोग का सेट हो गया। अब आप इसे कर लीजिए फिर से वही इंसर्ट की फ्रेम, सेम तरीका है। बस हम लोगों ने सेंटर पॉइंट नहीं सेट किया हुआ था, इस कारण से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जगह पर राइट क्लिक, किसी भी जगह मतलब विंग्स को एनिमेट करना, तो ये विंग्स के किसी भी जगह पर इसके सीधा क्लियर में, और राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन, ठीक है। अब देख सकते हैं ये पहचान है ये एरो क्लासिक ट्विन का, ठीक है। अब इस क्लासिक ट्विन जो एरो है उसके किसी भी जगह पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए रोटेट आपको मिलता है, जहाँ नन लिखा हुआ है, नन मिस कोई भी एनिमेशन भी नहीं हुआ है इसके द्वारा, तो हम लोग सी रिव्यू कर सकते हैं। और चेक सकते हैं, चेक करके ये देखिए हम लोग का विंग्स है फैन का, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए अब हम लोग इसको प्ले करके देख सकते हैं, कंट्रोल में जाकर टेस्ट मूवी या फिर टेस्ट, तो आप देख सकते हैं आपका फैन जो है वो घूम रहा है। अगर फास्ट करना हो तो आप इसी में, चूँकि हमको यही मेरा क्लासिक ट्विन है यही है, तो इसकी ये जो तीर जो देख रहे हैं इसके अंदर, इसके किसी भी जगह पर हिस्से पर क्लिक कीजिए, ठीक है। सी डब्ल्यू तो हम लोगों ने किया, अब कितना गुना के स्पीड से आपको घुमाना है यहाँ हम लोग डिसाइड करेंगे, तो मैं 2 गुना के स्पीड से घुमाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसको आप प्ले कीज कर देखिए, विंडो सॉरी कंट्रोल टेस्ट मूवी और यहाँ से टेस्ट, तो आप देखेंगे पहले से ये ज़्यादा स्पीड थोड़ा घूम रहा है। थैंक यू।